सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने बेबाक अंदाज और बेबाक भाषण के लिए जाना जाता है। बीते दिन यानी 26 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब श्री बाबू की जयंती के मौके पर कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच से लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान दिया कि अब बीजेपी को बैठे बैठे नया मुद्दा मिल गया है। आरजेडी सुप्रीमो ने मंच से ये कहा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उन्होंने ही जबरदस्ती सांसद बनवाया था। रांची के जेल से ही उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया था। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया है, कांग्रेस के नेताओं को, विशेष नेताओं को फोन किया अहमद भाई को, फोन किया अहमद भाई को। अब इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू ने खुद अपने मुख से स्वीकारा है कि वो जेल के मैनुअल को तोड़ते थे। सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए। बीजेपी नेता ने कहा कि जेल अय्याशी के लिए नहीं, सजा के लिए होती है, इसीलिए जितने दिन लालू यादव ने जेल में काटा है, न्यायालय से हम लोग मांग करते हैं कि उतने ही दिन फिर से उन्हें सजा दी जाए। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने भी प्रेस वार्ता करते हुए इंडिया अलायंस का, मतलब इंडिया कुख्यात डकैत ऑफ इंडिया एसोसिएशन बताया है, साथ ही सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब पर निशाना साधा है। मैं फिर से कहता हूँ, इंडियन नोटोरियस डकैत्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, स्टार स्टडेड पर्सनैलिटी है इसमें देश के, इसको हल्के मत लीजिएगा। हेडेड बाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड, सेकेंड फॉलोड बाई लालू यादव, तेजस्वी यादव, चारा तो आपने 20 साल पहले सुना था, उसके बाद IRCTC, मॉल स्कैम और पता नहीं क्या क्या, TMC, नारडा सारडा, पता नहीं खाने में डालडा, अब उसके बाद रिक्रूटमेंट स्कैम, ये सब स्टार चेहरे होते हैं ना, स्टार कैंपेनर्स। तो हमारे भी स्टार कैंपेनर्स हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके भी स्टार कैंपेनर्स हैं। इसके अलावा बिहार के बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर फोन का इस्तेमाल करते रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पर भाजपा के विधायक लल्लन पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ये आरोप लगाया था कि लालू यादव की तरफ से उन्हें फोन किया गया था। If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.